एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल बताने के लिए इस वक्त हम मयूर विहार इलाके में मौजूद हैं। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सुबह राजधानी दिल्ली का तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया, और वहीं आज जो है कल के मुकाबले ज़्यादा घनी फॉग की परत जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर हम कल की बात करें तो सुबह आईएमडी द्वारा राजधानी दिल्ली का तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, और आज राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है, और वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पिछले दिनों में राजधानी दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड का जो कहर है वो जारी रहा, उसके बाद हवाओं ने रुख बदला। जहां पहले उत्तर पश्चिमी इलाकों से राजधानी दिल्ली की ओर हवाएँ चल रही थी, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखी गई। हालाँकि सोमवार को हवाओं ने अपना रुख बदला और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब आज को लेकर आईएमडी का यही अनुमान है कि एक बार फिर से हवाएं अपनी दिशा बदलेंगी। पूर्वी हवाओं के चलते आज एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हैं राजधानी दिल्ली की ओर आएंगी, जिसकी वजह से 1-2 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है राजधानी दिल्ली के तापमान में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।